नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों। जो भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में जिसमें पद थे 58, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर और ग्रेड फोर्थ, जो पोस्ट थी वो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट थी, जिसमें क्या है कि 2021-22 में इसकी भर्ती हुई थी और इसमें एग्जाम हो गई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई थी। परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आज हमें 5 या 7 महीने हो गए करीबन, जिसमें हमें आज तक नियुक्ति नहीं मिली। तो हम इसी वेट इसका वेट कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दी जाए। परंतु जब मैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ से मेरे को पता चला कि इस भर्ती पर उसी 19 तारीख को, यानी 17 और 18 अक्टूबर को इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए थे, और उसके 19 तारीख को, 10वें महीने की 19 तारीख को 2022 को इस पे स्टे ला दिया, यानी रोक लगा दी गई। अब जब मैं वहाँ अधिकारियों से पूछा, जब जयपुर गया था इस विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि इस पे रोक लगी हुई है और इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें इस भर्ती में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सभी एक मंच पर आकर इकट्ठे होकर इसके आगे की प्रोसेस करें, तभी हमें इसकी नियुक्ति मिलेगी। अन्यथा हम इसी वेट में बैठे रहेंगे कि हमें नियुक्ति कब मिलेगी। तो आज मेरे को वह मैं वहां गया तो मेरे को यही सूचना मिली, इसलिए हमें आगे की प्रोसेस करनी होगी अगर हमको नियुक्ति लेनी है। हम तो इसी वेट में बैठे हुए हैं कि आगे अभी प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चल रही है, इसके चलते चलते आज 5 महीने निकल गए, 5 या 6 महीने 7 महीने निकल गए। सभी इसी वेट में बैठे हुए हैं कि हमें पोस्टिंग दी जाएगी, परंतु इसमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि पोस्टिंग आप क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि हमने पोस्टिंग की तैयारी तो दीपावली के पास ही कर ली थी, परंतु हमारे पास इसमें ऑर्डर आ गया था कि इसमें पोस्टिंग नहीं दी जाए, इस पे रोक लगा दी गई। इसलिए हम सभी को एक जगह, जो भी इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट भाई और बहन हैं, वो सभी इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें, जिससे कि हमें आगे की रणनीति बनानी पड़े और हमें क्या करना है, सभी विचार विमर्श करके इसके आगे का कदम उठाएं। और मेरी बात में अगर आपको कोई शंका लग रही है तो आप खुद जाकर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, जिससे कि आपको सत्यता का पता चल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।